हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी जीडी एवं ट्रेड्समैन का सेट सेकंड कवर करेंगे और इसका सेट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से विजिट करके सर्च कर सकते हैं। और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि आर्मी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो केयरफुली होकर के देखिएगा। इसमें आपको जीके जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, तो ये एक पुस्तक का नाम है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट देखिएगा, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है, तो ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। यहाँ ब्लैंक में देखिए राज्य का नाम लिखना है, तो उड़ीसा, केरल, गोवा और ये महाराष्ट्र। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोवा में स्थित है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल खाली स्थान में स्थित है, तो ऑप्शन देखिएगा गोवा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है, तो देखिएगा एस आर दास, हीरा लाल जे कानिया, जे सी शाह, आर सी लोहटी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हीरा लाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, हीरा लाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। महेश भट्ट, सत्यजीत रे, ए आर रहमान, भानु अथैया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिंथेटिक रेशा खाली स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन है रेशम, रेयान, जूट, हेम्प। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रेयान, सिंथेटिक रेशा रेयान को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रंटियर गांधी किसको जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी के नाम से देखिए ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, अबुल फजल, अमीर खुसरो, बाकत खान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता था फ्रंटियर गांधी के नाम से। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, जे एफ कैनेडी और इसमें आप चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, असम की राजधानी क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है अगरतला, कोहिमा, दिसपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, अनीता नायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिडनाइट चिल्ड्रेन नामक पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बंगलुरु, चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बंगलुरु में स्थित है। हिग्स बोसोन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, भगवान का अंश यानी गॉड पार्टिकल, नेक्स्ट है बोसोन, आवारा तत्व, निष्क्रिय गैस। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हिग्स बोसोन को भगवान का अंश यानी गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भूकंप मापने का यंत्र, ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध की शुद्धता खाली स्थान उपकरण से नापी जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, वोल्टामीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है। तो ऑप्शन देखिएगा, असम, कोलकाता, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोलकाता में है भारत में प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग के दौरान लोहा पिघला हुआ खाली स्थान में निमज्जन किया जाता है।
तो देखिए टिन, जस्ता, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जस्ता। गैल्वेनाइजिंग में जस्ते का प्रयोग करते हैं, लोहे के गैल्वेनाइजेशन में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न यौगिकों के जोड़े में खाली स्थान कार्बनिक यौगिकों में वर्गीकृत है, इसका ऑप्शन देखिए न्यूक्लिक एसिड और मिनरल्स, प्रोटीन्स और पानी, पानी और नमक, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पानी और नमक। तो इस जोड़े में अकार्बनिक यौगिकों में वर्गीकृत है, ये जोड़ा ये अकार्बनिक यौगिक का कहलाता है, पानी और नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए खाली स्थान विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, तो देखिए ए बी सी डी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है खाली स्थान धातु बिजली तथा ताप की सबसे अच्छा सुचालक है, तो इसमें देखिए चांदी, पोटेशियम, तांबा, सोडियम, तो इसमें ऑप्शन ए सही है इसका, चांदी धातु बिजली और ताप की सबसे अच्छी सुचालक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 746 वाट, 980 वाट, 1000 वाट, 550 वाट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 746 वाट, एक हार्स पावर या एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वर्चुअल है तो दर्पण खाली स्थान है, तो इसका ऑप्शन है देखिए उत्तल, फिर अवतल, उत्तल या अवतल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा उत्तल। गोली दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वर्चुअल है तो वह दर्पण क्या होगा, उत्तल। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर खाली स्थान का मात्रक है, धारा, आवेश, वेबर, डाइन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एम्पियर धारा का, विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन है लोहे का पिघलना, लोहे का जंग लगना, लोहे का गर्म होना, इसमें नन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, झील के पानी की ऊपरी सतह जमने वाली है तो उसके तली के पानी का तापमान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन देखिए 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। यदि झील के पानी के ऊपरी सतह जमने वाली हो तो उसके तली के नीचे पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पोटेशियम को खाली स्थान में रखा जाता है, तो देखिए पोटेशियम को किस में रखा जाता है, तो ऑप्शन है केरोसिन आयल, तो नेक्स्ट है पानी, अमोनिया, एल्कोहल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केरोसिन आयल में रखा जाता है पोटेशियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो ऑप्शन देखिए 6, 8, 18, 32, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, मुख्य लेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। गैस का फैलाव किस ताप पर नगण्य होता है या शून्य होता है, तो देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 0 डिग्री केल्विन पर गैस का फैलाव शून्य होता है या नगण्य होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की बाहरी परत खाली स्थान है, मतलब पृथ्वी की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए कोर, भूपरपटी, प्रवार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पृथ्वी की बाहरी परत को भूपरपटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव, पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, अनिश्चित ढंग से बदलाव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पृष्ठ तनाव घटता है, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव द्रव का घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन का परमाणु भार क्रमांक कितना है, तो ऑप्शन है 12, 13, 14, 11, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक भार 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार में रेडिएटर की ज़रूरत क्यों होती है, तो ऑप्शन है देखिए इंजन के तापमान को कम करता है, कार के अंदर ठंडापन करता है, कार को तेज चलने की क्षमता देता है, और इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंजन के तापमान को कम करता है,
इसलिए मोटर कार में रेडिएटर की जरूरत होती है। रेडिएटर का काम होता है कि इंजन के तापमान को कम करना। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? SH6CNOHCl रसायन में देखने को मिलते हैं, ये इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 36 से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग होते हैं, तो देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 7 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 हो तो a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे, ये सबसे पहले इस वैल्यू को पहले लिख लेंगे, ये सरसमिका दी हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया है माइनस 1। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, इसका सरसमिका होती है, और सेकेंड में a माइनस बी बराबर माइनस 1। अब a प्लस बी की वैल्यू दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू, और a माइनस बी की वैल्यू ज्ञात करना है, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर माइनस 1। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा, जो ये गुणे में है वैल्यू, तो वो बटे में जाएगी, माइनस 1 बटे 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 23x-2y बराबर 45 और 3x-4y बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, ये दो समीकरण दिए हैं, 23x-2y बराबर दिया है 45, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, और दूसरा समीकरण दिया है 3x-4y बराबर दिया है 1। तो यहाँ पर जो यदि लिखें a1x और इसको लिख लें b1, और ये वैल्यू हो जाएगी c1 की, इसको a2, ये वैल्यू b2, और ये वैल्यू c2। तो x का डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं, परावर्त सूत्र होता है, परावर्त सूत्र से b1c2-b2c1/a2b1-a1b2, इस सूत्र को लिख करके वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से b1 का मान देखिए यहाँ पर दिया है माइनस का 2, तो लिखेंगे -2 गुणे, और c2 का मान 1 है, फिर माइनस, फिर b2c1, तो -4 b2 की वैल्यू ये देख करके पुट करेंगे, और c1 की वैल्यू है 45, तो ये इस तरह से वैल्यू लिख देंगे। और नीचे देखिएगा a2b1, तो a2 का मान 3 है, ये यहाँ से देख करके लिखते जाएंगे, और b1 का मान ये दिया है यहाँ पर देखिए -2, तो ये वैल्यू -2, फिर माइनस, फिर a1b2, तो a1 का मान 23 है, ये a1 का 23 दिया है, और b2 का मान दिया है -4, तो गुणे हो जाएगा -4। अब इसी वैल्यू को देखिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 + 1 = 2, माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 45 × 4 करेंगे तो 180, 45 × 4 = 180 बटे, यहाँ 3 × -2 करेंगे तो 3 × 2 = 6, चिन्ह माइनस का रहेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 23 × 4 = 92। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू बचेगी, 180 में 2 घटेगा तो 178, और बटे यहाँ पर 92 में 6 घटाएंगे तो यहाँ 86 बचेगा। अब कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो यहाँ 43 × 2 = 86, इसका देखिएगा 2 × 8 = 16 और 1 = 18 हुआ, 2 × 9 = 18। अब 89 में 43 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू होगी 2.069, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसको आप भाग करके देख लेंगे, 89/43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है? तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² बराबर दिया है 3850। अब वृत्त का व्यास तो पता है कि व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, सूत्र लिख लेंगे 2 × त्रिज्या, तो त्रिज्या हमें मिलेगी यहीं से, त्रिज्या निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो पाई का मान देखिए 22/7 r² बराबर 3850। अब यहाँ पर देखिए 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 × 2 = 22, और ये भी 11 से कट जाएगा, 11 × 3 = 33, पे 5 = 55 हुआ, 11 × 5 = 55 और 1 = 0। फिर ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 + 1 = 2, यहाँ इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 + 1 = 2, फिर ये 15 हुआ, 2 × 7 = 14, फिर 1 = 10 हुआ, 2 × 5 = 10, 175। तो मतलब ये 7 का गुणा 175 से करेंगे तो यहाँ r² बराबर 175 गुणे हो जाएगा 7। अब स्क्वायर पक्षांतर होगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहाँ 175 × 7। अब इसके खंड करेंगे तो देखिए इसको 25 × 7 = 175 लिख सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, और ये 7 से 1 = 7 बाहर आ जाएगा, तो 5 × 7 = 35 होगी त्रिज्या, ये मीटर में 35 मीटर। तो व्यास निकालना है तो 2 × त्रिज्या थी, तो 2 × 35 करेंगे, यहाँ वैल्यू त्रिज्या की रख देंगे, तो यहाँ 70 मीटर हो जाएगा व्यास। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे,
0.075, देखिए मान ज्ञात करना है, 0.075 गुणे 0.075 माइनस 0.225 गुणे 0.225, फिर यहाँ पर बटे है और यहाँ 0.075 माइनस 0.225, तो देखिए इसको लिख लेंगे, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0.075 का स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में 0.075 यहाँ प्लस होगा 0.225, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 0.075 माइनस 0.225, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर बटे, ये बटे में देखिए लिखा हुआ है 0.075 और माइनस 0.225, तो एक गुणनखंड समान देखिए कैंसिल कर देंगे, समान गुणनखंड अंश और हर से, और ये जो बचा तो इसको जोड़ देना है, तो जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा 0.075 में हमें जोड़ना है 0.225, अब इसको जोड़ने पर वैल्यू आएगी 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 7 2 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 2 1 3, और यहाँ दशमलव लगेगा ये शून्य, तो 0.03 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 × बड़ा ब्रैकेट देखिए 28 + 18 + 2 - 20, तो यहाँ पर देखिए 2, अब इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए 18 और 2 = 20 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 20 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 28 बचेगा, 28 × 2 करेंगे तो वैल्यू 56 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक्स बराबर 0 और वाई बराबर -1 हो तो एक्स प्लस वाई प्लस 8 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस 8 का मान, और एक्स की जगह यदि 0 रख दें और वाई की जगह -1 तो प्लस ये 8 है, तो यहाँ पर देखिएगा 8 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 7 बचेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विक्रय मूल 3600 रुपये और लाभ 600 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए विक्रय मूल दिया 3600 और लाभ दिया 600, तो सबसे पहले तो लिख लेंगे क्रय मूल कितना होगा, तो क्रय मूल बराबर विक्रय मूल माइनस लाभ, तो 3600 में जब 600 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3000, क्रय मूल हो जाएगा 3000। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे, लाभ दिया है 600 और बटे क्रय मूल, क्रय मूल ये 3000 गुणे 100, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 5 30, 5 से 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ 20% का लाभ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 343/7 गुणे 7 को हल करें, तो देखिए 343 को जब गुणनखंड करेंगे तो 7 × 49 = 343 है, तो ऊपर लिखा है और बटे में लिखा है 7 × 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 7, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक खड्भुज का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 2 मीटर है कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए खड्भुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 × भुजा स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है खड़भुज के क्षेत्रफल का, भुजा यहाँ दिया है 2 मीटर, तो देखिए 6√3/4 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, या 2 × 2, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर था इसलिए 2 × 2, तो ये 2 × 4 = 4 कैंसिल, तो वैल्यू 6√3 m² हो जाएगा क्षेत्रफल, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, निम्न संख्या श्रृंखला में एक नंबर गलत है, गलत संख्या कौन सी है, तो देखिएगा 9 14 19 29 34 39, तो यहाँ पर देखिए 9 से 14 हुआ तो मतलब 9 5 14, यहाँ पर 5 प्लस किया है, फिर इसके बाद देखिए 14 5 19, यहाँ भी 5 प्लस किया है, अब यहाँ पर देखिए 19 5 24 होना चाहिए, तो ये देखिए अगला टर्म ये गलत है 29, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि सीरीज इसमें क्रम से चल रही है, प्लस 5 कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 100 रुपये बराबर बराबर अपने दोस्तों में बांट दिए, अगर 5 और दोस्त होते तो सभी को 1 रुपये कम मिलते, दोस्तों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कुल दोस्त, यहाँ लिख लेंगे माना कुल दोस्त यक्स, टोटल दोस्त यहाँ पर मान लेंगे यक्स, अब यहाँ पर देखेंगे एक दोस्त को मिले रुपये या एक को मिले रुपये बराबर टोटल 100 रुपये बांटना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में यक्स से भाग कर देंगे, तो कुल रुपए 100 हैं और टोटल दोस्त यक्स हैं, तो एक को कितने रुपए मिलेंगे, तो यक्स में से भाग करेंगे 100 में, तो 100/100 रुपये एक को मिले रुपए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि यक्स दोस्त थे और 5 और होते तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 5, तो
सभी को एक एक रुपया कम मिलता, मतलब 100/x मिल रहा था, तो माइनस एक करेंगे और ये बराबर टोटल कितने रुपए होंगे, 100 रुपए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर देखिए एक्स प्लस पाँच ही रहेगा इन टू, यहाँ पर एक्स का जब गुणा होगा एक से तो यहाँ पर देखिए 100 - x/x ही होगा और बराबर यहाँ हो जाएगा 100। तो यहाँ पर एक्स का गुणा कर देंगे दोनों के साथ, देखिएगा यहाँ पर सॉरी यहाँ दोनों गुणा है आपस में, तो अंश अंश का गुणा कर देंगे और इस एक्स का गुणा 100 से होगा। तो सबसे पहले एक्स का 100 से गुणा करेंगे तो 100x ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बटे में एक लिख लेते हैं, फिर एक्स का गुणा माइनस एक्स से करेंगे तो -x2, फिर अब 5 का गुणा 100 से करेंगे तो +500, और 5 का गुणा जब x से करेंगे तो -5x, और ये x का गुणा 100 से होगा तो बराबर हो जाएगा 100x। तो यहाँ 100x से 100x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू इतनी बचेगी। तो इसको पक्षांतर दोनों को कर लेंगे, सभी को उस पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, या फिर माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये -x2 तो हो जाएगा +x2, फिर ये +5x और -500 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इस जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 5x को दो पदों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर +5 हो और गुणा करने पर 500 एक कम 500, वो भी माइनस का। तो देखिएगा x2 + 25x - 20x, 5x को इस तरह बांटेंगे -500। अब यहाँ पर देखिए x कामन है दोनों से, तो यहाँ पर वैल्यू x बचेगी +25 और यहाँ पर -20 कामन लेंगे तो यहाँ भी x +25 होगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू हो जाएगी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -20 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x +25 और ये बराबर रहेगा 0 सभी में। तो देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक मान इसमें आएगा, इसमें धनात्मक, तो इसमें x बराबर 20, मतलब टोटल दोस्तों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। इस तरह सॉल्व कर लेंगे इस समीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी अनाज के 100 ग्राम के पैकेट का मूल्य 7.55 रुपये हो तो उक्त अनाज के 2 सही 1/2 किलो, मतलब इसका 2500 ग्राम हो जाएगा, ये 2.5 किलो लिखा है, के पैकेट का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधे एकिक नियम से, 100 ग्राम के पैकेट का मूल्य दिया है 7.55, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी तरह 100 ग्राम पैकेट का मूल्य है 7.55 रुपये, ये 100 ग्राम था। तो यहाँ पर निकालेंगे पहले 1 ग्राम पैकेट का मूल हो जाएगा, तो ये 100/ में जाएगा 7.55/100। अब यहाँ पर निकालना है 2 सही 1/2 किलो के पैकेट का मूल, तो इसका मतलब हो जाएगा 2500 ग्राम, ये 250, देखिएगा 2.5 किलोग्राम है, यानी 2 सही 1/2 को 2500 ग्राम पैकेट का मूल निकालना है। तो आपस में गुणा कर देंगे 7.55 और ये 2500 गुणे हो जाएगा 2500, तो वैल्यू तो ये कैंसिल हो जाएगी 0 0, दशमलव रिमूव करेंगे तो 2/100 आएगा, जो कि 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब 755 में जब 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 188.75, इसमें भाग करके देख लेंगे रुपए में आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर देखिएगा डी में दिया हुआ है 188.75 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसके चारों तरफ एक वर्ग बनाने पर वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो देखिए एक पहले डायग्राम बना लेते हैं, एक यहाँ वृत्त बना हुआ है और इसके चारों ओर एक वर्ग बनाना है, तो वर्ग वृत्त के देखिए परिधि को स्पर्श करेगा चारों तरफ, या कि वृत्त वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करेगा, तो ये वर्ग बन गया। अब वर्ग का की जो भुजा है वो वृत्त का व्यास होगा, वर्ग की किसी साइड से भुजा निकालें तो वृत्त का व्यास होगा, तो हमें वृत्त का व्यास ही निकालना है, और वृत्त का व्यास होता है 2 × त्रिज्या, मतलब 2r का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वृत्त का परिमाप यहाँ पर 100 सेंटीमीटर दिया है, और वृत्त का परिमाप 2πr होता है, यानी वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही है, तो यहाँ 2πr = 100, तो यहीं से 2r की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यहाँ पर वर्ग की भुजा पूछा है, तो वृत्त का व्यास ये वृत्त का व्यास का काम करेगा जो कि वर्ग की भुजा है, तो यहाँ से 2r का मान निकाल लेते हैं, तो 2r बराबर यानी व्यास 2× त्रिज्या व्यास कहलाता है, तो यहाँ पर 100/π, यही हमें निकालना था इसमें, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये ऑप्शन में देखिएगा बी नंबर में है 100/π सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, sin 49° / cos 41° का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल देते हैं, तो इसको sin 49 को बदल देंगे, देखिएगा sin 49 को लिखेंगे sin 90 - 41, तो sin 90 - θ का सूत्र cos θ होता है, और बटे ये cos 41 डिग्री ही रहेगा,
तो यहाँ पर देखिए वैल्यू इसकी लिखेंगे साइन 90 माइनस 41 का वैल्यू हो जाएगी कास 41 और बटे हो जाएगा कास 41। तो यहाँ दोनों सेम हो गया अंश और हर, तो कैंसिल आउट करेंगे तो एक आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहां से वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी मैथ्स, आर्मी रीजनिंग, आर्मी जीके, जीएस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।